दिखा दूंगा। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं घनघोर अंदर मंदिर है, बहुत घनघोर अंदर मंदिर। नहीं देखिए ये कौन सा रास्ता हम लोग जा रहे हैं, ये बड़ी गंडक नदी में जो जाकर मिलता है, देखिए किस तरह से अपना पैर धो रहे हैं। पंचायत सहायक है, काफी ये इस समय खुश स्कूल के बच्चे हैं, ये भी खेल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ग्रुप देखिए आर्मी का कैंप है वहाँ पर, क्योंकि जंगल में सब जगह यहाँ पे आर्मी के जवान मौजूद हैं। और भी दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, इधर यहाँ पर पहाड़ भी है नज़दीक में, क्योंकि देखिए प्रधान जी और देखिए सहायक ऑपरेटर जी ये काफ़ी खुश हैं आज, क्योंकि वहाँ का शीश महल अंदर जो केवल शीशा ही शीशा है, कांच कांच वहाँ का दृश्य दिखा दिए। क्या कुछ कहेंगे आप? यही कहेंगे बहुत अच्छा बना हुआ है, ऐसा अपने इंडिया में भी बनना चाहिए। ये प्रधान जी आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर लोग देख सकते हैं कमल का फूल भी बनाया गया है यहाँ पर काफी। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग नेपाल में आ गए हैं, और नेपाल जो देख रहा है आप बैराज है, देख सकते हैं बैराज के उस साइड देखिए बिहार है, नेपाल है। अभी हम लोग नेपाल में हैं और जा रहे हैं शीश महल घूमने। आप लोग वीडियो बने रहिए, काफी मजा आएगा शीश महल देखने में। अभी हम लोग शीश महल घूमने चल रहे हैं। फाइनली हम लोग शीश महल के अंदर एंट्री कर चुके हैं, और अब आप लोग देख सकते हैं इस्माइल और मंजूर जी और फिर से पीछे मास्टर जी आ रहे हैं। अभी हम लोग आगे का भी दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे, जो कि वहां का शीश महल अंदर जो केवल शीशा ही शीशा है, कांच कांच वहां का दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कुछ ही मिनट में हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और अभी दिखाने का हम लोग जो एक वहाँ पे परी भी बैठी हुई है, कौन है वहाँ पर परी है वहाँ पे एक बैठी हुई है। ये कितना सुंदर यहाँ का वातावरण है, और कितना सुंदर बैकग्राउंड देख सकते हैं, पीछे का जो लोकेशन दिख रहा है काफी अच्छा है। और प्रयास कर रहे हैं आगे का दृश्य दिखाने का आप लोगों को, जूता निकाल के। फाइनली अब मैं एंट्री कर रहा हूँ शीश महल में, आप लोग वीडियो बने रहिएगा। वाह देख सकते हैं हम लोग शीश महल जो है उसमें एंट्री कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं हम लोग फाइनली शीश महल में आ चुके हैं, और ये लोकेशन आप लोग मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, पूरा घूम कर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर चारों तरफ कांच ही कांच है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें देखिए मैं दिख रहा हूँ पीछे, काफ़ी अच्छा है लोकेशन, कांच ही कांच है यहाँ पर। हम लोग वीडियो में बने रहिए, और देखिए कितना सुंदर यहाँ का वातावरण है, और सिर्फ कांच ही कांच का ये महल है। इसका चौड़ाई लंबाई कोई खास नहीं है, मुश्किल से बहुत इसका जो कमरे की लंबाई चौड़ाई करीब 20x20 का है, और इसी में सब एक कांच का लगाया गया है, जो कि काफ़ी सुंदर है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो सांस्कृतिक है वो माहौल बदल जा रहा है यहाँ पर, आप लोग देखने को मिल रहा होगा। खाने को प्रयास कर रहा हूँ शीश महल, ये नेपाल है। देखिए ये मास्टर जी हैं, ये हम लोग साथ ही में आए हैं, और ये घूमने जो कि नेपाल में पड़ता है शीश महल, वहीं पर आए हुए हैं हम लोग, और मेरे साथ दो लोग और आए हुए हैं, उनसे भी मैं बात कराने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। देखिए मंजूर जी हैं, अभी आए हुए हैं शीश महल घूमने के लिए। क्या कुछ कहेंगे आप? यही कहेंगे बहुत अच्छा बना हुआ है, ऐसा अपने इंडिया में भी बनना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा, आपका कहेंगे ये इस्माइल जी हैं, जो कि ये इस्माइल जी हैं, और ये हमारे यहाँ का नए सहायक ऑपरेटर हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। और आप लोग देख लीजिए, अभी हम बाहर का भी दृश्य आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे, और हम लोग शीश महल तो दिखा ही रहे हैं आप लोगों को, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिएगा, ताकि जहाँ पे इस जैसे महल नहीं है वहाँ भी लोग बनाएँ, और टूरिस्ट देखने के लिए अधिक से अधिक जनसंख्या में आएँ। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बाकी नए हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूँ वीडियो में, आप बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम शीश महल से निकल चुके हैं, और एक गजराज जी का यहाँ पे भी महल बना है, वहाँ भी हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा है।
ये पीछे जो दिख रहा है वो शीश महल है, और हम अब गजराज जी का वो महल बना है उसमें भी काफ़ी दृश्य दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए गजराज जी का मंदिर है, इसमें बहुत बहुत बढ़िया यहाँ पर है सब व्यवस्था, ये भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को। वीडियो में बने रहिए आप लोग, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है यहाँ का वातावरण, काफ़ी शुद्ध है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर ये शीश महल है जो कि नेपाल में पड़ता है, और काफ़ी हम और दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो भाई लोग आए हैं फ़ोटो खींचने में एकदम मस्त हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा जो वातावरण हमेशा नहीं मिलता है, ऐसा ऐसा जो ऐसा पार्क हमेशा हर जगह नहीं उपलब्ध रहता है, काफ़ी पार्क बनाने में पैसा खर्च होता है, इसलिए सब व्यवस्था हो रहा है यहाँ पर। देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर काम चालू है, जोरों से काम शुरू हो रहा है यहाँ पर, बच्चे भी खेल रहे हैं आगे, अभी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम। देखिए आ रहे हैं लोग हमारे सब, ये शिवपुर के डॉन है, हाँ ये प्रधान जी आ रहे हैं जो कि इनका परचम लहराएगा ग्राम पंचायत शिवपुर में, और ये अभी से प्रयास कर रहे हैं। देखिए हम लोग को टूर पर लाए हैं घुमाने के लिए, इन्हीं के प्रयास से हम लोग आए हैं शीश महल, और पूरा दृश्य दिखाने का मैं प्रयास करूँगा यहाँ पर। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी रोमांटिक वीडियो और संस्कृति से जुड़ा वीडियो है। हाँ ये आप लोग देख सकते हैं कमल का फूल भी बनाया गया है यहाँ पर, काफ़ी सुंदर है, ये देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा है कमल का फूल। सब यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ों को दर्शाया गया है, अपने जो आते हैं घूमने के लिए उन लोगों को दिखाने के लिए, और भी दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इधर यहाँ पर पहाड़ भी है नज़दीक में, क्योंकि नेपाल में पड़ता है तो नेपाल पूरा पहाड़ी एरिया ही है, देख सकते हैं आप लोग नीचे पहाड़ है, नीचे नीचे कहाँ जाएंगे, नीचे तो पूरा नीचे सब हम जाते ये देख सकते हैं आप लोग कितना नीचे है, बहुत काफ़ी नीचे पड़ा पड़ता है। देखिए आप लोग वहाँ पे सेल्फी खींच रहे हैं वो लोग, देखिए पनिया में जाइए आदमी, पनिया सुला लेता है वो लोग, पहाड़ पूरा करीब है। और ये भी मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को, देखिए यहाँ पर बच्चे भी खेलते हैं सब गुरुकुल से, सब ये गुरुकुल के बच्चे हैं, ये भी खेल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर गुरुकुल में छोड़ा जा रहा है बच्चों को, ताकि वो संस्कृति से जुड़ा सब चीज़ें जान सकें और अपनी संस्कृति को बचा कर रखें। ये देखिए श्री जय श्री मुक्तिनाथ पौराणिक कलमा गजेंद्र हाथी नारायणी गंडक किमा हजल बिहार गरी, सब इसमें नेपाली में लिखा गया है, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोगों का दृश्य दर्शाया गया है, सब भगवान लोग हैं। देखिए इन सब चीज़ें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को, वीडियो को देखते रहिए। वहाँ पर हिंदी में लिखा गया था नेपाली में, और यहाँ पर बाई इंग्लिश लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, गुरुकुल के बच्चे खेल रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये गुरुकुल के बच्चे हैं, देखिए गुरुकुल के बच्चे सब खेल रहे हैं, कितना अच्छी तरह से शिक्षा दीक्षा सब इन लोगों को मिलता है यहीं पर। मैं सीढ़ी से नीचे जा रहा हूँ, जो कि देख सकते हैं आप लोग, हमारे मित्र लोग नीचे गए हैं, मैं नीचे जा कर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग देखते रहे वीडियो में। अच्छा से देखिए यहाँ पर घूमने के लिए भी लोग आए हैं, लोग देख सकते हैं कितना नीचे वो लोग गए हैं वहाँ पर, अभी मैं इतना चढ़ के आ गया हूँ, भीड़ हो नीचे जा रहा हूँ भाई, पानी अभी मैं नीचे आ गया हूँ। देखिए हम उस समय वहाँ से वीडियो आप लोग दिखा रहे थे ऊपर से, अभी मैं बहुत नीचे आ गया हूँ, पहाड़ आपको नीचे दिख रहा होगा, देखिए पहाड़, देखिए हम फोटो शूट करने में लोग बिजी हैं, मैं सूज अभी पूरा पहना नहीं हूँ। देखिए बड़ी गंडक नदी में जो जाकर मिलता है, देखिए किस तरह से अपना पैर धो रहे हैं, पंचायत सहायक है, काफ़ी इस समय खुशी में है, और देखिए कितना इनको आनंद आ रहा है इस समय, ये अपना वो आनंदमय जो पल होता है उसको अपना ये नदी में शेयर कर रहे हैं, माँ गंगा के साथ शेयर कर रहे हैं अपनी वो प्रतिक्रिया, और देख सकते हैं आप लोग बुलडोजर होता है वहाँ पर बुलडोजर, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, हमको तो लग रहा है कि हम लोग यहीं पर रह जाए आज ही। पीछे सब दृश्य दिखा, देखिए मास्टर तो अब और ज़्यादा खुश हैं, उन्हीं का वो था कि एम कि हम वहाँ पर चलेंगे, और बाकी सब आप लोग देख ही रहे हैं, मैं और घुमा दूंगा अभी वहाँ का भी दृश्य दिखा दूंगा। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं घनघोर अंदर मंदिर है,
बहुत घनघोर अंदर मंदिर नहीं, देखिए ये कौन सा रास्ता हम लोग जा रहे हैं। बहुत घनघोर मंदिर है और उसमें हम लोग जा रहे हैं। अब देखिए वहाँ पर कौन सा मंदिर है, ये देखे हैं मंदिर इस्माइल जी वो लेकर जा रहे हैं हम लोग को। शीशमहल आप लोग दिखाई दे रहा होगा, उधर है शीशमहल। शीशमहल से नीचे हम लोग आए हैं और वहाँ पर जा रहे हैं मंदिर में, वहाँ भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। काफ़ी खूंखार मंदिर, वो भी जंगल के अंदर अंदर जहाँ जानवर रहते हैं, कई प्रकार के जानवर रहते हैं, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं खोजने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए अब आगे जो चल रहे हैं लीड रोल में, वही पता नहीं क्या चीज़ खोजने के लिए लेकर जा रहे हैं हम लोग को। और हमें तो डर लग रहा है भाई, यहाँ पर काफ़ी घनघोर जंगल में आ गए हैं, जानवरों का काफ़ी डर लग रहा है, कब कोई आ जाए, कोई शेर ही आ जाए। और देखिए चलिए वैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, देखिए अब कहाँ लेकर जा रहे हैं आगे जो लीड रोल कर रहे हैं। देखिए कहाँ लेकर जा रहे हैं, ये देखिए कहाँ आप लोग आ गए हैं, कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हैं भाई आप। आ गए हम, अभी हम चढ़ रहे हैं हम लोग सीढ़ी पर। हाँ शिला, देखिए यहाँ पर काफी गलत लिखते हैं, शिला लिखा हुआ, हाथी शिला लिखे हैं यहाँ पर, नाम भी लिखा गया है। देखिए अब हम लोग चढ़ रहे हैं, शिला ना रहे हैं, चढ़िए। अब हम लोग यहाँ पर चढ़ रहे हैं जो कि ऊपर आप लोग दिखाएंगे, हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए देखिए हमारे युवा जवान आपदा मित्र कैसे चढ़ रहे हैं, काफी एनर्जी के साथ अपने लगातार कर्मों को देख सकते हैं, इनके कदम लगातार रफ्तार बढ़ा रहा है। और हम लोग आ गए हैं मंदिर में, और देखिए हम लोग कितना नीचे से आ रहे हैं, देखिए कितना नीचे से आ रहे हैं। वहाँ सब लोग दिखाने का हम प्रयास किए थे, वहाँ पर देखिए मड़े भी बना है भगत जी को रहने के लिए। और देखिए यहाँ पर थक गए हैं अब लोग, अब थक गए हम लोग क्योंकि बहुत चढ़ाई है नेपाल में, आप लोग जानते हैं केवल पहाड़ ही पहाड़ है। और यहाँ पर हमें तो मालूम नहीं कौन सा मंदिर है। अब देखिए देखिए प्रधान जी और देखिए सहायक ऑपरेटर जी, ये काफ़ी खुश हैं आज क्योंकि इन लोगों को सिपाही पकड़ लिए थे। और हम लोग से 1500 रुपये फाइन मांग रहे थे। खैर हम लोग ने अपना आईडी दिखाया तो मंदिर में दिखा दे रहा हूँ आप लोग घूम कर। देखिए सब मंदिर ही है, मंदिर के प्रांगण में हम लोग आए हैं और यहाँ पर कोई है नहीं क्योंकि जंगल के बीचों बीच मंदिर है, हम लोग आए हुए हैं। पंडित जी भी लग रहा है नहीं, अगर पंडित जी मिल जाते तो हम लोग उनसे मुलाकात करते हैं और थोड़ा सा चर्चा करते हैं। नमस्कार, पंडित जी से मुलाकात हो गया। देखिए आर्मी का कैंप है वहाँ पर, क्योंकि जंगल में सब जगह यहाँ पे आर्मी के जवान मौजूद हैं। और अभी हम यहाँ से हम लोग निकलने का प्रयास करेंगे क्योंकि अब यहाँ पर कोई है नहीं, अब आप लोग को दिखाई दिया है। और नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अच्छी से शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग यहाँ पर आकर, टूरिस्ट लोग आकर घूम सकें। और इसी के साथ जय हिंद।